दो तीन क्वेश्चन कैन यू टेल यूज ये पावर में से तुमको आते हो क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछते हो ज्यादा करके है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल वेपन वेन यू एड पोटेशियम क्रोमेट टू बेरियम सल्फेट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्लस माइनस प्लस माइनस तो पोटेशियम क्रोमेट ये दोनों साथ में आ जाते हैं प्लस बेरियम सल्फेट सॉरी बेरियम क्रोमेट आ जाएगा और यह तुम्हारा प्रेसिपिटेटर है येलो कलर का एनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि तो बच्चों

एक्सोथर्मिक ओके बच्चों तो फर्स्ट वी विल सी एंडोथर्मिक एंड देन वी विल सी एक्सोथर्मिक बच्चों होता क्या है इसका मतलब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आइस है आइस को हमने बाहर रख दिया इफ यू हैव आइस फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड इफ वी कीप इट आउटसाइड तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आइस इज गोइंग टू मेल्ट बच्चों आइस मेल्ट क्यों कर रहे हैं कारण क्या है बिकॉज रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर वॉज वेरी लो ठंडी थी वहां पर जैसे बाहर रखेंगे गर्मी शुरू हो जाएगी कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर इसीलिए आइस पिघलना शुरू हो जाएगी एंड वो पिघल जाएगी राइट right? तो बच्चों मेल्टिंग ऑफ आइस तुमको पता है बच्चो इसका मतलब क्या है यहां पर हो क्या रहा यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है बच्चो तरिएक्शन मतलब क्या

बाय एब्जॉर्बन ऑफ हीट उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन ओके बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देते हैं जो अपने पहले भी देखा बच्चों डिक्पोजिशन रिएक्शन में वही ले लेते ले हैं चलो बच्चों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था व्हेन यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट या तो पैसा डाल दो ऊपर इसका मतलब होता है हीट यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ओके और एग्जाम एक और तरीके से लिखा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सीओ टू हो क्या रहा है यहाँ पर बच्चों हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो तुमने देखा था ना डेस्ट ट्यूब को अपन हीट करते हैं वी आर हीटिंग द ट्यूब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे थे बच्चों वहां पर है ना ऐसा भी लिखा आ सकता है मतलब इसमें क्या हो रहा है रिएक्टेंट को हीट करने की जरूरत पड़ रही है बच्चों टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स वो खुद से नहीं हो रहे हैं कुछ कुछ रिएक्शन खुद से हो जाते हैं बच्चों कुछ कुछ रिएक्शन खुद से हो जाते हैं कुछ कुछ रिएक्शन खुद से नहीं होते है तो ये वैसे रिएक्शन है जिनको बाहर से हीट तुमको देनी पड़ेगी है ना ट फ्रॉम आउटसाइड हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टें टू प्रोडक्ट्स रिएक्टेड टू प्रोडक्ट कुछ चाहिए अपने को तो वी हैव टू गिव हीट फ्रॉम दउटसाइड सो देर इज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट

हीट का रिमूवल होता है यहाँ पर हीट बाहर निकलती है, है like रिएक्शन में से प्रोडक्ट के साइड पर लाइक फॉर एग्जांपल और बच्चों तुमको सिस्टमेटिक लिखना ही है ये सॉलिड फॉर्म में होता है तुम्हारे बुक में एक ऐसा दिया हुआ है. ये सॉलिड फॉर्म में ठीक है ये है तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में और एक गैश फॉर्म में गैशियस फॉर्म में तो तुमको ऐसे दिखाना है बच्चों याद रखना अगर प्रेसिपिटेड होगा तो यू टू शो शो कि भाई वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है बराबर सो दिस इज द वे यू टू शो यू टू शो प्रॉपरली बच्चों वरना बेटा मतलब नहीं है, है ना तो ये चीजें तुमको तो याद करनी है अच्छा एंडो एक्जोथर्मी में क्या होगा हीट बाहर निकलेगा भैया तो एग्जाम्पल तो कोई एक चलो कैल्शियम ऑक्साइड को क्योंकि तो सॉलिड फॉर्म में होता है इफ आई एड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इच इज ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट यहां पर प्रोडक्ट के साइड पे हीट निकल रहा है मतलब रिएक्शन से हीट बाहर निकल रहा है बच्चों ठीक है तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक्जो का मतलब बाहर निकलना इवोल्यूशन होना हीट का है ना तो जब रिएक्टेंट ट्रांसफर होतेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब इन द सेंस क्या होता है रिएक्शन एक्जो हो जाता है दिस इज द डिफरेंस बच्चों तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बस पहचानना है ऐसा कुछ आया तो एंड बाहरस्टैंड एंड रिमेम्बर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों को समझना पड़ेगा तुमको बच्ची तरह सेमिकल रियक्शन कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों ठीक है कोई रिएक्शन स्लो होता है कोई रिएक्शन फास्ट होता है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है है लोखंड खराब होती है वो आराम आराम से होता है लेकिन कोई कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होता है बहुत फास्ट जैसे तुम बर्फ को बाहर रख दो फटाफट पिघलना शुरू हो जाएगा वो तो है फास्ट रिएक्शन तो डिफरेंट रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रेट रेट मतलब स्पीड कोई स्लो होता है कोई फास्ट होता है ठीक है अकॉर्डिंगली जब conditions भी चेंज होती है तो चीजें भी चेंज होती है ठीक है जैसे तुम दही आर वन जमाते हो रात को मालूम लोगों को समर टाइम पे वो उसका रेट अलग होता है विंटर टाइम पे उसका रेट अलग होता है ठीक है विंटर ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इन टू कड ठीक है लेकिन समर सीजन में बच्चों टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जल्दी जल्दी मिल्क कन्वर्ट हो जाता है सॉरी मिल्क हो जाता है कड़ uh, में तो so, तुम लोग ने वो देखा होगा विंटर में इट इज स्लो क्या स्लो है milk का कन्वर्जन कर्ड है ना और समर में इट्स फास्ट तो वी कैन सी एक एग्जांपल कि भाई रिएक्शन का रेट अलग अलग होता है अब ऐसा क्यों क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है सो इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ राइट हमने पढ़ा था है ना पीएच अगर देखो ज्यादा होगा एक ऑप्टिमम हो मिलेगा बैक्टीरिया को एंजाइम्स को वगैरह तो दे विल वर्क एट अ वेरी वेरी गुड स्पीड ओके सो समर सीजन में जल्दी होता है तो हर एक चीज है बच्चों यही नहीं है बहुत सारे तुमको चीज मिलेगी बहुत सारे तुमको एग्जाम्पल मिलेंगे ओके बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट रेट पे चलती है कोई कोई चीजें बहुत स्लो रेट पे चलती है जैसे कोई लोग फास्ट तरीके से एकदम चीजें समझ आता है कोई लोग नहीं फास्ट तरीके से समझते फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है किसी किसी को बहुत अच्छी तरह समझेगा किसी को नहीं समझेगा तो इट डिपेंड्स राइट इट्स ओके है इट डिपेंड्स चलो बच्चों तो हम देखते हैं रेट तो हमको समझ में आ गया क्या होता है अब किन किन चीजों पर डिपेंड करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग किन किन चीजों से रेट को फर्क पड़ता है बच्चों ये समझते एकदम तो बुक के हिसाब से बच्चों करते अपन एक्सप्लेन ठीक है तो पहला है नेचर मैं ऑफ मैं तुमको दो एलिमेंट दूंगा एक तो एल्यूमिनियम और एक तो जिंक दोनों को मैं रिएक्ट कराऊंगा। वॉट डू यू थिंक विल दिस रिएक्शन बी एट द सेम स्पीड कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या

अगर एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये फास्ट होगा लेकिन अगर जिंक एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा डिपेंड करता है कौन कितना रिएक्टिव है कौन कितना रिएक्टिव है जैसे मैं तुमको बता दू तुम एक चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों में लास्ट ने भी बताया था ना रिएक्टिविटी सीरीज जब मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था तो बच्चों वेर यू विल देर यू विल फाइंड आउट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक

गेटिंग माई पॉइंटिंग पॉइंट इज बच्चा साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेड ओके बच्चो लाइक फॉर इंस्टेंस आई विल टेक एन एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल एक टाइल लेता हूं मैं और इसी टाइल का मैं पाउडर लेता हूं दिस इज अ टाइल एंड दिस इज पाउडर टाइल टाइल कौन सी ली तुम्हारे बुक में दिया है शाहबाद टाइल वेराइटी की टाइल है ये. शाहबाद टाइल और इन दोनों में मैं क्या ऐड करूंगा बच्चों एम गोइंग टू एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका मैं रिएक्शन कराऊंगा और आई विल एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चो वॉट यूजर्व इज वेरी शॉक कार्बन डाइऑक्साइड इज इमिटेड दैट इज ओके रिएक्शन हो रहा है और कुछ निकलेगा बाहर लेकिन दोनों में भी मटीरियल सेम है बच्चों दोनों में भी शाहबाद टाइल है यह एक टाइल है इसको मैंने पाउडर कर दिया और मैंने या रख दिया है दोनों सेम ही है मटेरियल सेम ही है बच्चों लेकिन ये छोटा है बच्चों इट इज स्मॉल इन साइज इसके जो पार्टिकल्स बच्चो, है बच्चों वो साइज में छोटे हैं तो होता क्या है बच्चों इसका रिएक्शन फास्ट होता है के बच्चों तो स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स फास्टर द रिएक्शन इट टेक्स प्लेस तो क्या लिख सकते हो तुम लोग स्मॉलर साइज ऑफ रिएक्टेन पार्टिकल मतलब इन दोनों में स्मॉलर पार्टिकल्स किसके थे ऑब्वियसली इसके थे ना पाउडर फॉर्म के होंगे टाइल के तो नहीं होंगे टाइल तो बड़ा होता है बच्चों तो जितना छोटा साइज होगा देखो मटेरियल दोनों सेम थे बच्चों पहले तो एल्यूमिनियम से दोनों अलग अलग ही थे तो तो समझ में आता है लेकिन पर साइज में भी फर्क पड़ता है बच्चा देखो स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ओके बेटा वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अह दिस ऑफ रिएक्टेंट ओह दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैंने तुमको पहले ही बताया था बच्चों ये फॉर एग्जांपल लेट्स से अपन एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं मैं कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर लेता हूं उडर फॉर्म और मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ हाइड्रोक्लोरिक और नीचे वाला कॉन्सेंट्रेटेड है मैंने तो तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों स्टार्टिंग में ही डायल्यूट का, मतलब का मतलब क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है राइट डायल्यूट मतलब ज्यादा पानी होगा हाइड्रोलोरिक एसिड कम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा होगा बच्चों और खासियत क्या है इसकी बच्चों व्हाट इज द खासियत ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड धुआं धुआं धुआ, -धुआ ऐसा वो हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी चीज़ है ना बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है याद रखना है ना रिएक्टिव नहीं बोल सकते बट एक तरीके से वो जैसा बोल सकते हैं उसका रिएक्शन फास्ट होता है बच्चों क्योंकि इसमें एच सी एल ही ज्यादा है बाकी जो मटीरियल है वो कम है तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन विद एच सी एल अगर वो कॉन्सेंट्रेटे तो फास्ट होगा डायल्यूट एच सी एल रियक्ट स्लोली विथ कैल्शियम कार्बोनेट तो ये रिएक्शन स्लो होगा और ये रिएक्शन फास्ट होगा बच्चों एंड दिस इज अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें एच सी एल ज्यादा है ओके okay, बच्चों और ऑब्वियसली कैसे मालूम पड़ा सीओ टू कैसे निकलेगा कि इसमें दूसरे मालूम पड़ता है बच्चों ओके okay, तो क्या बोल सकते हो तुम कॉन्सेंट्रेटेड Concentrated... बेटा तो इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है दट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है दैट यू डोंट थिंक मच व्हाट इज हैपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट क्या लिया तुमने टे रिएक्टेंट पार्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट देखो दोनों सेम थे लेकिन ये था, ये था। तो वो एक समझने जैसी बात है, है ना? तो concentration... okay तो क्या लिख सकते हो तुम लोग व्हाट कैन यू राइट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रियक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रियक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रियक्ट फास्टर देन डाइल्यूट एसिड बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ये तुम समझ जाओ तो नाइन ज्यादा करके पानी होगा एचसीएल हो में डायलूट वाले में तो जिसमें एच सी एल ज्यादा निकलेगा बराबर के नहीं विच मीन द रेट ऑफ द रियक्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड

तुमको फिर घंटों बैठे बैठोगे फिर भी कुछ काम नहीं है है ना तो तू अपने आप से रिलेट, रिलेट करो एक्चुअली में रिलेट करो तो तुमको समझ complete the the studies, you are point, में आएगा ज़्यादा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड यू आर द फास्टर यूलीट एनी टास्क एंड मोर डायट यू आर मतलब मोर डिस्ट्रेक्टेड यू आर द द प्रोसेस और द स्टडीज रिएक्शन में टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बच्चों हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इट गिव्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी ओ टू बराबर इट्स अ गैस इट इट्स इट गोज आउट राइट बट वी हैव टू गिव इट वी हैव टू हीट इट अप राइट वी हैव टू इंक्रीज द है इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस एट ऑल बहुत टाइम जाएगा इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो सो एजेंपरेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो

बच्चों इनकी वजह से रिएक्शन फास्ट होता है कैटलिस्ट की वजह से ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है ठीक है इट कैन बी एन एलिमेंट समटाइम्स ओके सो ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज होता है लेकिन ये खुद रिएक्ट नहीं करते बच्चों प्रेजेंस की वजह से ओके okay, बेटा तो वट वी कैन राइटेंस दब दिखना In whose presence the substance, in whose presence the rate of reaction rate of reaction <coughs> changes. हम normally इनको इसके लिए डालते हैं क्योंकि rate of reaction को increase कर रही है। क्योंकि बहुत ज्यादा हम हमको कुछ इंडस्ट्री में किसी की चीज की जरूरत है बच्चों और हमको वो फास्ट चाहिए वो चीज तो हमको भाई रिएक्शन को फास्ट ही करना पड़ेगा टाइम किसके पास है इतना द सब्सटेंस इन प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉसिंग विदाउट कॉसिंग एनी केमिकल चेंज टू इट मतलब खुद रिएक्ट नहीं करेगा खुद का कोई रिएक्शन नहीं होगा भले वो कॉम्बिनेशन हो डिकम्पोजिशन हो डिस्प्लेसमेंट हो डबल डिस्प्लेसमेंट हो या आगे भी जो अपन रिएक्शन पढ़ने वाली है खुद का रिएक्शन नहीं होगा लेकिन इसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा बच्चों रिएक्शन फास्ट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो यू कैट पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन इसको बैलेंस कर दो बेटा मैंने बताया तुम लोग को टू करोगे यहाँ पर तो ये टू के एल टू के टू सी एल तो ये टू दो इस हो तो ये डाल दोगे ऑक्सीजन जाएगा, तो पर थ्री डाल दोगे बराबर। बच्चों यहाँ पर ना एक चीज ये रिएक्शन बहुत खास है क्योंकि ऑक्सीजन को प्रिपेयर करता ही है ओके और ये बोर्ड से पूछते भी है बहुत बार रिएक्शन वाला इसकी खास बात क्या बच्चों इस रिएक्शन में रेट अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड का साइज छोटा ले लू अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड का साइज छोटा ले लू तो भी बच्चों रिएक्शन का रेट को फर्क नहीं पड़ता अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दू बहुत ज्यादा तो भी रिएक्शन के रेट को फर्क नहीं पड़ता तो करे तो करे क्या तो वी कैटलिस्ट वी कैटलिस्ट बच्चों इधर नेम इज मनो टू मनोटू तुमको याद करने के लिए मनोटू याद रखना ऐसे इसका नाम है मैंगनीस डाइक्साइड वी विल एड कैटलिस्ट मैंगनीस डाइऑक्साइड टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ओके बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ने के लिए हम मैग्नीज डाइऑक्साइड डालेंगे अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो फालतू सी बात हो गई किसी और को डाले किसी और का रिएक्शन बढ़ाने के लिए कैसी बात है बेटा केमिस्ट्री है, के है। या पर होते है। के पर हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस निकलते बच्चों अच्छा ऐसा क्या करता है कैटलिस्ट जिससे रिएक्शन ऑफ रेट बढ़ जाता है तो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है बेटा लेकिन अगर तुम लोग समझ पाओगे तो एक चीज में बोलता हो हर एक रिएक्शन को एक सरफेस एरिया चाहिए बच्चों एक स्पेस चाहिए जहां पर वो रिएक्शन कर पाए कैटलिस्ट क्या करता है बेटा सर्फेस एरिया को इंक्रीज करता है सो so, दट रिएक्शन को जगह मिले रूम मिले और वो रिएक्शन फास्ट हो जाए तो आई एम श्योर तुम लोगों को समझानी होगा वाली बात लेकिन हायर स्टैंडर्स में अगर तुम साइंस पढ़ो तुमको समझ आ जाएगा बच्चों वाली बात ठीक है आगे आगे बहुत तुमक आएगा आगे आगे और डिटेल में बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये सब कैटलिस्ट अपने बॉडी में जैसे एंगजाम्स होता है ठीक है जिसके वजह से रिएक्शन फास्ट होता है मैंने तुमको बताया बहुत बार अगर एग्जाम्स हमारी बॉडी में नहीं होता तो सालों साल लग जाते एक मील डाइजेस्ट करने के लिए है ना एन्जाम्स इतने इंपॉर्टेंट है और इंजाम इतने खतरनाक है कि तुम जब बेटा तुम्हारी जब मौत हो जाती है दो दिन के अंदर तुमको तुम खाने लगता है।, तुम है, है, तुम तुम है उनको सिर्फ खाना है बस। वो कुछ भी हो फिर। <laughs> works, तो अगर मैं पोटेशियमो टू मैंगनीस डाइऑक्साइड डालूंगा तो वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा बच्चों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन बच्चों वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन तो दिस कम्पलीट आर रिएक्शन ओके okay. अह uh, एक और है बेटा जो बच्चे मिस करते हैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ये बच्चों एक और डीकंपोजिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन वो डीकंपोज होता है ना बच्चों इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सॉरी इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इसमें डीकंपोज होता है बराबर उसमें भी हम कैटलिस्ट यही डालते हैं MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड डालते हैं इसको भी हम ओके इट इज एक्टिंग इसको बैलेंस भी कर देना बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्साइड एच टू ओ टू इट डिक्ड ओ टू इसको बैलेंस कर दो बच्चों थ्री है बच्चो? 3 है, यह है एक काम कर देते अपन यहाँ पर टू लिख देते हैं तो फोर तो ऑक्सीजन फोर हो जाएगा तो इधर टू डाल देते हैं तो फोर हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन फोर ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी तुम तो मनो टू भी करते हो बच्चों है ना तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है तो so, ये दो एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिए हुए बच्चे लोग यूजुअली देखते नहीं ये वाला क्योंकि ये वर्ड्स में दिया हुआ है।, है ना तो ये भी तुम लोग ध्यान रखना बच्चों